प्रोग्राम पुलिस में भर्ती कैसे हो मैं खुश आमदीद, मैं हूं आपका मेज़बान आजिल हसनात। 12 हमारे जो सर्विस ग्रुप्स हैं, एक होता है कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम, दूसरा पार्ट है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। पीएसपी ग्रुप्स में सीट्स कितनी होती हैं, ये सीट्स क्या गवर्नमेंट की तरफ से पहले से एलोकेटेड होती हैं या गवर्नमेंट खुद से अपॉइंट कर देती है इसके ऊपर? अगर वैकेंसी नहीं है तो फिर देखेंगे जी आपकी सेकंड प्रेफरेंस वाला ग्रुप कौन सा है, उसमें चेक करेंगे वैकेंसी है, अगर है तो फिर आपको उसमें प्लेस कर देंगे। यानी कि आपका पेन होता है जो लोगों की जिंदगियों का फैसला करता है, ये 110 और 120। दूसरे प्रिविलेजेस इसमें ये होते हैं कि आपको जिस सब डिवीज़न में आप रहते हैं वहाँ पर आपको रेजिडेंस मिल जाती है, जिसके पैसे आपकी सैलरी से ही डिडक्ट होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पुलिस में भर्ती कैसे हो मैं खुश आमदीद, मैं हूँ आपका मेज़बान आजिल हसनात। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पर पीएसपी ग्रुप के ऊपर रखा गया है। हम पीएसपी ग्रुप से मुतल्लिक जुड़े तमाम सवालात के जवाब लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीएसपी ऑफिसर एएसपी शोएब साहब, उनसे बात करते हैं। सर थैंक यू सो मच एंड वेरी वार्म वेलकम। अच्छा सर, बेसिकली जब भी हम बात करते हैं सीएसएस की तो सबसे पहले माइंड में सवाल आता है कि फेडरल ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनना या प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनना, तो इसके लिए सर सर्विसेज ग्रुप होते हैं जिसको आपको ज्वाइन करना पड़ता है किसी में से। सर सबसे पहले नाज़रीन के लिए बताइएगा कि सर्विसेज ग्रुप होता क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच कि आज इस क्रिटिकल चीज़ पर आपने जो है वो गुफ्तगू की है। बेसिकली हम जब भी कोई ग्रेजुएट बंदा उसने सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी होती है तो उसका एक एग्ज़ाम होता है सीएसएस एग्ज़ाम, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। इसके लिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रखती है, हर साल फरवरी में ये एग्ज़ाम होता है और इसी बेसिस पर, उसी एग्ज़ाम के बेस पर आपकी रिक्रूटमेंट होती है सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में, जिसके 12 सर्विस ग्रुप्स हैं। उन 12 सर्विस ग्रुप्स में से जो है वो पुलिस सर्विस एक ग्रुप है, पुलिस सर्विस है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, फॉरेन सर्विसेज हैं, इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज हैं, कस्टम्स हैं, ऑडिट एंड अकाउंट्स हैं, मिलिट्री लैंड्स है, कॉमर्स एंड ट्रेड है, और फर्दर इंफॉर्मेशन ग्रुप, रेलवेज ग्रुप, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, इस तरीके से 12 हमारे जो सर्विस ग्रुप्स हैं। उनमें से जो है बेशतर लोगों की, जो मेजॉरिटी लोगों की है, वो 3 चॉइसेस होती हैं। एक पुलिस सर्विसेज होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, और फॉरेन सर्विस होती है, जो कि टॉप ट्रेंड्स में जाता है, जिसमें लोग जो है वो कोशिश करते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मेरिट आपकी फिर आप अपनी चॉइसेस देते हैं, चॉइस नंबर 1, 2, 3, इस तरीके से आप प्रेफरेंसेस अपनी देते हैं, तो उस बेस पर आपकी जो है वो रिक्रूटमेंट होती है। फर्दर ये कि पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में आने के लिए आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। जब आप क्वालिफाई करते हैं आपकी एलोकेशन होती है, और इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग इसमें अपियर होते हैं तो वो मेरिट वाइज जो है वो इस ग्रुप के अंदर एंटर हो जाते हैं अपने प्रोविंशियल कोटा के हिसाब से और मेरिट कोटा के हिसाब से। जब ये एग्ज़ाम का प्रोसेस ख़त्म होता है तो फिर हम लोगों का ट्रेनिंग जो है वो प्रोसेस शुरू होता है। ट्रेनिंग के हमारे 2 मेजर पार्ट्स हैं, एक होता है कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि सिविल सर्विसेज एकेडमी वॉल्टन लाहौर में होता है, दूसरा पार्ट है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद में होता है। जब ये दोनों ट्रेनिंग्स हम सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं उसके बाद वी आर पोस्टेड एज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अच्छा सर, बेसिकली जब बात की जाती है कि पीएसपी ग्रुप्स में सीट्स कितनी होती हैं, ये सीट्स क्या गवर्नमेंट की तरफ से पहले से एलोकेटेड होती हैं या गवर्नमेंट खुद से अपॉइंट कर देती है इसके ऊपर? ये बेसिकली जिस टाइम पर एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, फॉर इंस्टेंस जो है ये अभी मार्च चल रहा है तो पिछले महीने जो है फरवरी में ये एग्ज़ाम हुआ था, उस टाइम पर सीट्स की एलोकेशन नहीं होती है। ये डिटरमिंड नहीं होता है कि पुलिस सर्विस को कितनी सीट्स मिलेंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को कितनी सीट्स होंगी। ये जब एग्ज़ाम और इंटरव्यू, ये रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के मराहल मुकम्मल हो जाते हैं तो रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट से कुछ दिन पहले जो है वो सीट्स की एक एलोकेशन आ जाती है कि जी इतनी सीट्स सो एंड सो रिज़र्व्ड हैं पुलिस सर्विस के लिए। फॉर इंस्टेंस अगर 20 सीट्स रिज़र्व्ड हैं पुलिस सर्विस के लिए तो एक हमारा कोटा सिस्टम होता है कि जी 7.5% जो है वो मेरिट पे सिलेक्शन होगी, 50% पंजाब का कोटा होता है, 11.6% जो है वो कोटा होता है सिंध रूरल का, 7.4% सिंध अर्बन का, इसी तरीके से 11.6% केपी का, 6% बलूचिस्तान का। तो ये कोटा सिस्टम होता है, तो उस बेसिस पे फिर ये प्रोविंसेस को सीट्स मिल जाती हैं कि पंजाब को 10 सीट्स मिल गई,
सिंध अर्बन को जो है 2 सीट्स मिल गई, सिंध रूरल को 3 सीट्स मिल गई, इस तरीके से एलोकेशन सीट्स की हो जाती है, फिर जो है ये प्रोसेस चलता है और जब रिजल्ट आता है तो फिर उन सीट्स पर जो है वो वैकेंसीज फिल की जाती हैं। अच्छा सर, अगर कैंडिडेट की प्रेफरेंस है पीएसपी ग्रुप, वो प्रेफरेंस जाहिर करता है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसे पीएसपी ग्रुप अलाट हो जाएगा या उसको कुछ और ग्रुप भी अलाट हो सकता है? आपकी जो प्रेफरेंस आपने टॉप पे पुलिस रखी है, अब वो देखेंगे जी आपका मेरिट उस में फॉल करता है। अगर आपके मेरिट नंबर जब आपका आता है तो सीट वैकेंसी है पुलिस सर्विस में, आपको पुलिस सर्विस में एलोकेट करेंगे। अगर वैकेंसी नहीं है तो फिर देखेंगे जी आपकी सेकंड प्रेफरेंस वाला ग्रुप कौन सा है, उसमें चेक करेंगे वैकेंसी है, अगर है तो फिर आपको उसमें प्लेस कर देंगे। सर, मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के क्यों मोस्टली कैंडिडेट जो है वो पीएसपी ग्रुप को जो है वो प्रेफरेंस देते हैं? पीएसपी ग्रुप एक ऐसा सर्विस ग्रुप है जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि आप अगर पब्लिक सर्विस डिलीवरी करना चाहते हैं तो देर इज़ नो एनी ग्रुप जो उसका फिर कंपेरिजन में आए। मतलब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, फॉरेन सर्विस है, इनलैंड रेवेन्यू, कोई भी चीज़ है आप उसमें देखेंगे पुलिस सर्विस, सर्विस डिलीवरी के हिसाब से इट्स ऑन द टॉप। और आप यानी कि आपका पेन होता है जो लोगों की जिंदगियों का फैसला करता है, आप लोगों को इंसाफ देते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स हल करते हैं और इमीडिएट बेसिस पे, यानी आपका मैं बीइंग आप एएसपी हैं या एसपी हैं, आपका पेन जो है उनका फ्यूचर डिसाइड करता है कि वेदर दे विल बी फ्री और वेदर दे विल बी बिहाइंड द बार्स। और सर, जब आपकी एलोकेशन हो जाती है पीएसपी ग्रुप में तो इसके बाद जो ट्रेनिंग्स है वो कितनी टाइप्स की होती है? बेसिकली ट्रेनिंग टेक्नोलॉजिकल बेस होती है, फील्ड में होती है, ज़रा ट्रेनिंग के बारे में काइंडली हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। ट्रेनिंग के 2 फेजेज होते हैं। पहला फेज़ होता है कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम। कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम इज स्प्रेड ओवर 6 मंथ्स और इसको कंडक्ट किया जाता है लाहौर में वॉल्टन के अंदर, वॉल्टन में सिविल सर्विसेज एकेडमी में। ये ट्रेनिंग का वो पार्ट है जहां तमाम के तमाम सर्विस ग्रुप्स इकट्ठे ट्रेनिंग लेते हैं, मतलब रिगार्डलेस यू आर इन पुलिस सर्विस और इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इन फॉरेन सर्विस, ऑल दी सर्विस ग्रुप्स गेट देयर ट्रेनिंग फ्रॉम सिविल सर्विसेज एकेडमी, इनिशियल ट्रेनिंग। दूसरा इसका पार्ट होता है स्पेशलाइज ट्रेनिंग, जो हर सर्विस ग्रुप अपनी अपनी रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में करता है। वो स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम पुलिस का कंडक्ट होता है नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद में। उसके फिर फर्दर जो है स्पेशलाइज ट्रेनिंग के 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट उनका होता है फाउंडेशन फेज़, जिसमें आपको जो है पुलिसिंग का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर और किस तरीके से पुलिसिंग होती है, उसमें फील्ड अटैचमेंट भी 2 हफ्ते की होती है। ये 1 महीने का पीरियड होता है फाउंडेशन फेज़, जिसमें आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर पुलिस का पता। दूसरा आता है डेवलपमेंट फेज़, जिसमें आपको लॉज पढ़ाए जाते हैं, कानून पढ़ाए जाते हैं, आपको मुख्तलिफ मॉड्यूल्स कराए जाते हैं, लेटेस्ट पुलिसिंग जो मेथड्स हैं वो सिखाए जाते हैं, आपको फॉरेंसिक्स आपको पढ़ाई जाती हैं, पुलिस के जो लॉज हैं PPC हैं CRPC हैं ये सारे पढ़ाए जाते हैं, आपको फिज़िकली आपको ट्रेन किया जाता है। थर्ड इसका होता है फील्ड अटैचमेंट फेज़, उसमें आपको 6 महीने के लिए एक शेडो के तौर पे, शेडो SDPO के तौर पे फील्ड में भेजा जाता है कि आप जो है वो देखें कि जी फील्ड में किस तरीके से एक ASP काम करता है। ये उसका बेसिकली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिसको हम कहते हैं। पहला डेवलपमेंटल फेज़ वो थियोरेटिकल ट्रेनिंग थी, अभी जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। फाइनली फोर्थ फेज़ जो लास्ट होता है वो 1 महीने का होता है, उसको कंसोलिडेशन फेज़ कहते हैं। कंसोलिडेशन फेज़ में यू मिक्स अप द बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और आप अपनी एक कंसोलिडेट करते हैं कि आपने थ्योरेटिकली क्या पढ़ा, प्रैक्टिकली फील्ड में क्या ऑब्जर्व किया और उसके बेसिस पर आप नया क्या कर सकते हैं। तो ये आपका फाइनल फेज होता है। तो 4 फेजेज हो गए, फाउंडेशन, डेवलपमेंट, फील्ड फेज, फील्ड अटैचमेंट एंड लास्ट इज कंसोलिडेशन। सर, जो ट्रेनिंग है इसका टफेस्ट फेज़ जो है वो कौन सा वाला है? ट्रेनिंग का जो टफेस्ट फेज़ है, टफेस्ट फेज़ हमारा जो है वो डेवलपमेंटल फेज़ होता है, क्योंकि पुलिस सर्विस में जब हमारी रिक्रूटमेंट होती है तो मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के लोग आते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर्स आते हैं, आर्ट्स के लोग आ जाते हैं, मुख्तलिफ लोग होते हैं जो बैचलर्स, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में उनकी बैचलर्स होती है, मुख्तलिफ फील्ड्स में उनकी ग्रेजुएशन होती है, वो तमाम के तमाम लोग आ जाते हैं। तो नॉट एवरी पर्सन हैज़ द पोटेंशियल के वो मुख्तलिफ लॉज को उसको नॉलेज हो, प्रीवियस नॉलेज। तो जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मुझे कानून की नॉलेज प्रायर नहीं थी,
लेकिन वो आपने सीख करनी होती है, तो आई थिंक डेवलपमेंटल फेज वुड बी मोर टफ। सर ट्रेनिंग के बाद जब आपकी पोस्टिंग एज अ एएसपी हो जाती है पीएसपी ग्रुप में, तो सर इसमें ग्रेड क्या होता है, इसके अलावा आपकी किस ग्रेड के ऊपर अपॉइंटमेंट होती है? हमारी पोस्टिंग होती है एज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर। हमने एक सब डिवीजन पुलिस की जो सब डिवीजन्स होती हैं, सर्कल्स होते हैं, उनको जो है वो हेड करना होता है, उनको चलाना होता है। तो ये 17th स्केल की पोस्ट होती है और हमारा जो है वो मुख्तलिफ जो है वो हम सब डिवीजन्स में काम करते हैं, वहाँ पर पुलिसिंग करते हैं। प्रोमोशन का ये होता है कि हमारा इन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स आपकी जो है BS 18 में, स्केल 18 में जो है वो प्रोमोशन होती है। ये 5 ईयर्स का पीरियड होता है, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन आपको DPC के बाद प्रमोट करती है, अगर आपके क्रीडेंशियल्स या ACR जो हैं वो ठीक हैं तो। सर जब आपकी एलोकेशन एज ए ASP पोस्टिंग हो जाती है, तो ये बता दीजिए कि आप टॉप रैंक में किस रैंक तक जा सकते हैं? हम पुलिस रैंक में जो है वो स्टेडिली ग्रो करते हैं, फ्रॉम ASP टू SP, फिर SSP, फिर DIG, एडिशनल IG एंड फाइनली IG, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये हमारा रैंक होता है जो फाइनल होता है BS 22 में, स्किल 22 में। सर मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि जिसके लिए मोस्टली कैंडिडेट जो है वो PSP ग्रुप को चूज़ करते हैं, इसमें जो है सैलरीज इसकी क्या है, इसके अलावा पर्क्स जो है वो क्या है, वो ज़रा काइंडली नाज़रीन इनको बता दीजिए। सैलरी स्ट्रक्चर जो है हमारा ऑर्डिनरी जो स्केल 17 के हिसाब से होता है, जो भी हमारी बेसिक पे होती है, हाउस रेंट होता है, कन्वेंस होता है, उसके अंदर मेडिकल होता है, फिर डिपेंड करता है प्रोविंसेस में आप किस प्रोविंस में एलोकेटेड है। पंजाब में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अलाउंस जो है वो मिलता है हमें, ठीक है ना, वो एक बेसिक पे के बराबर होता है। फिर लॉ एंड ऑर्डर अलाउंस एक होता है कि जी आप, क्योंकि आपको रिस्क एक होता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का, तो उसके लिए आपको एक अलाउंस मिलता है। इसके अलावा क्योंकि आपकी डेली बेसिस पर ट्रेवल्स होती हैं, तो उसके लिए एक फिक्स्ड डेली अलाउंस भी हमें मिलता है। तो इट वुड बी अराउंड इनिशियल जो पे हमारी हो जाती है फील्ड में आते आते, तो इट वुड बी अराउंड 110 और 120 फॉर BS 17। ये 110 और 120। दूसरे प्रिविलेजेस इसमें ये होते हैं कि आपको जिस सब डिवीजन में आप रहते हैं वहाँ पर आपको रेजिडेंस मिल जाती है, जिसके पैसे आपकी सैलरी से ही डिडक्ट होते हैं। मतलब कि कुछ लोगों का ख्याल होता है कि इट्स फॉर फ्री, तो फ्री नहीं होती, हाउस रेंट अलाउंस हमें एडमिसिबल होता है, वो अगर आप हाउस ले लेते हैं तो वो माइनस हो जाता है, अगर आप हाउस नहीं लेते तो वो आपको मिलता रहता है, वो हर ऑर्डिनरी जो है वो BS 17 वाले को मिलता है। फिर इसी तरीके से आपको जो है वो एक गाड़ी और ड्राइवर आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना, उसका भी आपको पे करना पड़ता है अपनी सैलरी से, क्योंकि ऑर्डिनरीली 17 स्केल वालों को कन्वेंस अलाउंस मिलता है, तो वो कन्वेंस अलाउंस जो है वो माइनस हो जाता है आपका, तो मतलब कि विद गाड़ी ड्राइवर और फ्यूल आपको उसका अवेलेबल होता है, ऑफिस आपको मिल जाता है, एक स्टाफ आपके साथ होता है, सिक्योरिटी गार्ड्स आपके साथ होते हैं जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, क्योंकि आप फील्ड ऑफिसर हैं तो आपको जो है वो आप एक्सपोज्ड हैं काफ़ी लाइफ रिस्क के ऊपर, तो फिर आपको ये चीज़ें मिलती हैं। अच्छा सर ये बता दीजिए कि PSP ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद एक कैंडिडेट या जो आपकी एलोकेशन हो जाती है, आप क्या क्या सीखते हैं? मतलब मैं ज़ाती तौर पे आप वो चीज़ें सीखते हैं जो आपको ऑर्डिनरली कोई नहीं सीख सकता। आप लोगों के बिहेवियर्स देखते हैं, सोसाइटी को एज अ होल ऑब्जर्व करते हैं। मतलब मैं नहीं समझता कि अगर इन केस मैं किसी और फील्ड में होता या किसी और जगह पे होता तो मैं इतना वाइड एक्सपोजर मैं देख सकता था। मैंने टोबा टेक सिंह भी देखा है, जड़ावाला की के अंदर भी जो है मैंने काम किया है, सिटी सरगोधा में मैंने काम किया है, तो आपको मुख्तलिफ लोगों का एक एक्सपोजर मिलता है। सरगोधा के लोग बड़े अच्छे हैं, ठीक है ना, और लास्ट मेरी पोस्टिंग सरगोधा में थी, तो बड़े रख रखाव वाले अच्छे लोग हैं सरगोधा के। इसके अलावा टोबा टेक सिंह में भी जो है एक रूरल टच पुलिसिंग का मिलता है, वो भी लोग बड़े अच्छे हैं। इसी तरीके से जड़ावाला के अंदर, फैसलाबाद एक बड़ा शहर है, तो जड़ावाला क्योंकि वो भी एक बॉर्डरिंग तहसील है लाइकाना, तो उसके बॉर्डर जो हैं वो टच करते हैं अपना ननकाना साहब से और मुख्तलिफ जगह से, तो वहाँ की पुलिसिंग का एक बिल्कुल ही अपना अलग है फ्लेवर, एक अलग है। लाहौर के अंदर जो है क्योंकि ये भी एक बॉर्डरिंग एरिया है, तो यहाँ पर भी एक मिक्स हमें मिलता है रूरल पुलिसिंग का और अर्बन पुलिसिंग का,
कि सिटी के साथ भी ये टच करता है और फिर ये कसूर के साथ टच करता है, तो हमें एक ब्लेंड मिलता है। तो आप वो चीज़ें सीखते जाते हैं जो आपको बाकी कहीं पर भी सीखने के लिए नहीं मिलेंगी, लोगों के बिहेवियर, उनका रहन सहन, उनके कल्चर्स, उनके लोकल वैल्यूज़ जो हैं, उनकी बरादरियों के बारे में, उनकी दुश्मनियाँ, वो किस तरीके से रहते हैं, ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि पीएसपी ग्रुप के जो चैलेंजेस वो क्या क्या हैं। पीएसपी क्लास के जो मेन चैलेंजेस हैं, हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वह पुलिस के इमेज को अच्छा करना। मतलब कि डिस्पाइट सेवरल इंटरवेंशंस जो हैं वो स्टिल जो है हमें अच्छा नहीं तसव्वुर किया जाता। लोगों को शिकायत बड़ी है पुलिस से, तो हर कोई आप देखेंगे कि सेवरल इंटरवेंशंस इस चीज़ में हुई हैं। हमने जो है वो FIR, क्योंकि तीन चार चीज़ें ऐसी हैं जिन पर जो है लोगों को शिकायत है। सबसे पहली वो होती है डिलेड रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR या नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, उसके लिए सेवरल इंटरवेंशन है जिसकी वजह से चीज़ें बेहतर हुई हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन में लोगों को शिकायत होती है, उसमें क्या होता है कि यू बीइंग इन पुलिस आप दो चीज़ों में से करते हैं जी, एक पार्टी सही है दूसरी गलत है, तो नेचुरली हाफ पॉपुलेशन वुड बी अगेंस्ट यू। ठीक है, वो आपको पसंद नहीं करेगी क्योंकि आपने उनके अगेंस्ट फैसला किया है। फिर जो जिसके फेवर में ही फैसला किया उनकी भी कुछ बातें ठीक होती हैं, कुछ गलत होती है, तो नेचुरली उनमें से भी 50% जो है वो आपके अगेंस्ट है, तो 75% पॉपुलेशन वुड ऑटोमेटिकली टॉक अगेंस्ट यू। हमारी कोशिश है कि एक नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR को हम जो है वो ठीक करें। हमारे अंदर ये जो प्रॉब्लम है क्राइम की रजिस्ट्रेशन नहीं होती, उसको हम ठीक करें। इन्वेस्टिगेशंस जो है अपनी ठीक करें। ये दो अगर चीज़ें हमारी ठीक हो जाएं, और काफ़ी हद तक हुई हैं, हमने कन्विक्शन इंश्योर किया है कि क्रिमिनल्स कन्विक्ट हों, FIRs की डिलेड रजिस्ट्रेशन ना हो, तो काफ़ी हद तक इमेज हमारा इम्प्रूव हुआ है, बट स्टिल वी हैव अ लॉट ऑफ रूम टू इम्प्रूवमेंट। सर थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया बेसिकली पीएसपी क्लास क्या होती है, पीएसपी ग्रुप क्या होता है। आने वाले प्रोग्राम्स में हम पुलिस के अंदर आने वाली तमाम जॉब्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो देखना मत भूलिए पुलिस में भर्ती कैसे हों।